हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, आज हम बनाने जा रहे हैं क्रीमी यम्मी वाइट पास्ता। पास्ता बनाने के लिए हमें जो सब्जी चाहिए वो है एक क्यूबिकल साइज अनियन, क्यूबिकली स्लाइस्ड रेड कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, कैरेट और यहाँ है हमारे पास कुछ ब्रोकली। एक पैन में थोड़ा ऑयल लेंगे और ऐड करेंगे क्यूब अनियंस। फिर हम ऐड करेंगे क्यूब ग्रीन कैप्सिकम, परफेक्ट। ऐड करेंगे रेड क्यूब कैप्सिकम और 1 से 2 मिनट के लिए उनको सॉट होने देंगे। अब हम ऐड करेंगे हमारे फाइनली स्लाइस्ड कैरेट पैन के अंदर और ये बहुत ही कलरफुल लग रहा है दोस्तों और बहुत ही बेहतरीन खुशबू भी आ रही है। अच्छे से सॉर्ट कर लेंगे ताकि सारी वेजिटेबल्स अच्छे से कुक हो जाएं। ज्यादा भी कुक नहीं करेंगे वेजिटेबल्स को ताकि हम पास्ता खाते हुए अपनी सब्जियों का अनोखा क्रंच भी महसूस कर सकें। अब व्हाइट पास्ता सॉस बनाने के लिए हम ऐड करेंगे 200 to 300 ml ऑफ मिल्क और उसको अच्छे से बॉईल होने देंगे जब तक कि हमारा दूध आधा नहीं हो जाता है। दोस्तों, मैं इसमें मैदा या कॉर्नफ्लावर मिक्स नहीं कर रही हूँ। मैं ये पास्ता की जो क्रीमी ग्रेवी है, सॉस है, यह सिर्फ दूध से बना रही हूँ। इसीलिए ये बहुत हेल्दी है क्योंकि ये सिर्फ दूध और सब्जियों से बनी है। है हमारे ऑलरेडी बॉइल्ड पास्ता जिनको हम ऐड करेंगे अब हमारे पैन में। ओ वाओ, अब हम पास्ता और हमारी सॉसी वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें ऐड करूंगी ब्लैक पेपर, ओरिगैनो और मैगी मसाला एंड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। ओ यमी, द पास्ता लुक्स सच अ ब्यूटिफुल ट्रीट टू द आइज। और ये हमारा पास्ता ओरिगैनो की ड्रेसिंग के साथ तैयार है। हैव अ गुड डे, टेक केयर।